मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम सबसे कॉमन एक विशबोन सस्पेंशन सिस्टम और एक मैक पियर्सन शर्ट टाइप सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो आखिरी तक देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी व्हीकल में सस्पेंशन सिस्टम ना लगा हो, सिर्फ एक रिजिड एक्सल हो और जब वह व्हीकल रोड के ऊपर से पास होगी, पत्थर आएगा या फिर रोड में इररेगुलरिटीज होंगी, तो उस केस में व्हीकल टिल्ट हो सकता है। उस केस में व्हीकल वर्टिकल नहीं रहेगा, टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई सस्पेंशन सिस्टम नहीं लगा है। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हर एक व्हील में एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम लगाया जाता है, ताकि किसी एक व्हील में बंप आ भी जाए तो भी व्हीकल जो है वो वर्टिकल ही रहे, सिर्फ सस्पेंशन सिस्टम में कंप्रेशन हो, और अगर व्हीकल की एक साइड टिल्ट हो जाए तो दूसरे साइड टिल्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का यूज करते हैं किसी ऑटोमोबाइल में। बेसिकली 5 तरह के इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होते हैं, विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम, मैक पियर्सन टाइप सस्पेंशन सिस्टम, वर्टिकल गाइड टाइप, ट्रेलिंग लिंक टाइप और स्वैगिंग हाफ एक्सल टाइप सस्पेंशन सिस्टम यूज होते हैं ऑटोमोबाइल में एज ए इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इस वीडियो में हम सबसे बेसिक और सबसे कॉमन विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम और मैक पियर्सन टाइप सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम से। मेरे बगल में आप एक विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम का डायग्राम देख सकते हैं। एक विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम में कॉइल स्प्रिंग्स का यूज किया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि एक सस्पेंशन सिस्टम में कितने टाइप की स्प्रिंग्स का यूज किया जाता है, तो मैंने एक पहले वीडियो बनाया है जहां मैंने सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बेसिक्स और कितने टाइप की स्प्रिंग यूज किया जाता है और डैम्पर और सस्पेंशन सिस्टम के बीच में क्या फर्क होता है, ये सब बताया है। तो जरूर उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए। तो एक विशबोन सस्पेंशन सिस्टम में बेसिकली एक कॉइल स्प्रिंग का यूज होता है, और आज की डेट में कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में, फ्रंट एक्सल में सबसे ज्यादा कॉमन एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का ही यूज होता है। आप मेरे बगल में डायग्राम में देख सकते हैं, इस सस्पेंशन सिस्टम में 2 विशबोन्स का यूज होता है, एक अपर विशबोन और एक लोअर विशबोन, और इन विशबोन्स को पाइवोट किया जाता है, इन विशबोन्स को हिंज किया जाता है फ्रंट एक्सल के फ्रेम मेंबर के साथ। और यह जो विशबोन आर्म्स है, यह आपको ए शेप में दिखाई देगी या फिर वी शेप में दिखाई देगी। देख सकते हैं आप, इसका शेप कुछ कुछ ए शेप की तरह होगा, इसलिए इस विशबोन आर्म्स को ए आर्म्स भी बोला जाता है। और आप मेरे बगल में देख सकते हैं जो स्प्रिंग है, उसे लोअर विशबोन और अपर साइड फ्रेम के क्रॉस मेंबर के बीच में लगाया जाता है। जो व्हीकल का वेट होता है, वह वेट पहले कॉन्सेंट्रेट होता है इस फ्रंट एक्सल के फ्रेम में, फिर यह फ्रंट एक्सल के फ्रेम से यह वेट ट्रांसमिट होता है इन कॉइल स्प्रिंग में, उसके बाद यह वेट ट्रांसमिट होता है लोअर विशबोन मेंबर में। और यह जो कॉइल स्प्रिंग लगी रहती है, इसके अंदर एक शॉक एब्जॉर्बर का यूज किया जाता है, यानी कि एक डैम्पर फिट रहता है इस कॉइल स्प्रिंग के अंदर, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्रंट एक्सल के क्रॉस मेंबर और लोअर विशबोन के बीच में कनेक्टर रहता है। इन अपर और लोअर विशबोन मेंबर्स का वी शेप या ए शेप के कारण सिर्फ अगर रोड में बम्प आएगा, व्हीकल टिल्ट होगा, तो उसी को यह सस्पेंशन सिस्टम रजिस्ट करने का काम नहीं करेगा, बल्कि यह सस्पेंशन सिस्टम इस टिल्ट को ब्लॉक करने के साथ साथ एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग और कॉर्नरिंग फोर्सेस को भी रजिस्टर करने का काम करेगा। आप मेरे बगल में डायग्राम में देख सकते हैं, जो अपर विशबोन आर्म है वो थोड़ी छोटी है एक लोअर विशबोन आर्म से, लेकिन एक विशबोन सस्पेंशन सिस्टम के साथ एक स्मॉल चैम्बर एंगल अलायंस भी दिया जाता है, आप मेरे बगल में देख सकते हैं। यह विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है। तो ये चैम्बर एंगल अलायंस के कारण और कॉइल स्प्रिंग और उसके अंदर एक शॉक एब्जॉर्बर होने के कारण ये सस्पेंशन सिस्टम हर तरह के रोड शॉक्स, वाइब्रेशंस को व्हीकल के चैसिस तक पहुंचने से रोकता है और व्हीकल के एसेंशियल कंपोनेंट्स को बचाने का काम करता है। एकदम सिंपल और एकदम कॉमन है। अब हम एक मैक पियर्सन शर्ट टाइप सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत कॉमन और बहुत वाइडली यूज होने वाला सस्पेंशन सिस्टम है मैक पियर्सन शर्ट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। इस सस्पेंशन सिस्टम में सिर्फ एक विशबोन का यूज होता है, सिर्फ लोअर विशबोन का यूज होता है, मेरे बगल में डायग्राम में आप देख सकते हैं। एक मैक पियर्सन शर्ट टाइप सस्पेंशन सिस्टम में आप देखेंगे कि एक शर्ट को व्हील के साथ जोड़े जाता है और उस शर्ट के साथ एक स्प्रिंग को, एक शॉक एब्जॉर्बर को लगाया जाता है। और इस मैक पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम का जो लोअर विशबोन रहता है वह डायरेक्ट फ्रेम के साथ हिंज्ड रहता है, जिसके कारण यह सस्पेंशन सिस्टम एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग और कॉर्नरिंग फोर्सेस तीनों को आराम से रजिस्टर कर सकता है। एक मैक पियर्सन शर्ट टाइप सस्पेंशन सिस्टम का कंस्ट्रक्शन
सिंपल है अगर उसे आप कंपेयर करेंगे विजबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम से। लेकिन एक मैक पियर्सन शर्ट टाइप सस्पेंशन सिस्टम में, जैसे विजबोन सस्पेंशन सिस्टम में एक चैम्बर एंगल अलाउंस रहता है, या व्हील उठता है या व्हील नीचे होता है, यानी कि बम्प या डिप आता है, तो एक विजबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम का चैम्बर एंगल चेंज होता है। लेकिन एक मैक पियर्सन शर्ट टाइप सस्पेंशन सिस्टम में चैम्बर एंगल प्रोवाइड नहीं किया जाता, यानी कि पूरी तरह से व्हील्स का अप डाउन मूवमेंट, एक्सेलरेशन या ब्रेकिंग के कारण जो लोड्स लगेंगे और कॉर्नर्स में जो लोड लगेंगे, वह पूरे लोड इस सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर ही आइसोलेट करता है। पूरे वाइब्रेशंस को मैक पियर्सन शर्ट टाइप सस्पेंशन सिस्टम में एक शॉक एब्जॉर्बर ही आइसोलेट करने का काम करता है। अगर आप एक मैक पियर्सन शर्ट टाइप सस्पेंशन सिस्टम का यूज करेंगे, तो जो आपको इंजन कंपार्टमेंट का वो एरिया मिलेगा, वह एरिया एक विजबोन सस्पेंशन सिस्टम अगर आप सेम व्हीकल में लगाएंगे तो आपको इंजन कंपार्टमेंट के लिए कम एरिया मिलेगा। लेकिन अगर आप एक मैक पियर्सन शर्ट टाइप लगाएंगे तो उसी जगह में आपको इंजन कंपार्टमेंट के लिए ज्यादा एरिया मिल जाएगा। इसलिए यह मैक पियर्सन शर्ट टाइप सस्पेंशन सिस्टम बहुत कॉमनली यूज होता है फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स में, यानी कि जिन कार्स में इंजन की पावर फ्रंट व्हील्स में जाती है, यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइविंग व्हील्स होते हैं, उन केसेस में आपको मैक्सिमम जगह में एक मैक पियर्सन शर्ट टाइप सस्पेंशन सिस्टम ही फ्रंट व्हील्स में इंडिपेंडेंटली वर्क करते हुए आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में सस्पेंशन सिस्टम का सबसे पहले यूज मारुति 800 में किया गया, और वोल्क्सवैगन जेटा और पैसेट कार्स में आप देखेंगे कि फ्रंट व्हील सस्पेंशन सिस्टम में मैक पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम के साथ साथ एक एंटी रोल बार भी लगा रहता है। आगे के वीडियोस में मैं जरूर एंटी रोल बार के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। अगर आप एक मैक पियर्सन शर्ट टाइप सस्पेंशन सिस्टम लगाएंगे तो आपको रोड सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपको राइड कंफर्ट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपको स्टीयरिंग ज्यादा हैवी नहीं लगेगी, स्टीयरिंग आपको बहुत लाइट लगेगी, और सेल्फ स्टेबलाइजिंग स्टीयरिंग का भी यूज आप एक मैक पियर्सन शर्ट टाइप सस्पेंशन सिस्टम में कर सकते हैं, जिससे कि गाड़ी जिस रास्ते में चल रही है उसी रास्ते में कंटिन्यू चलते रहेगी। चाहे आप ब्रेक लगा दे, चाहे रोड की सरफेस कितना भी वैरी हो जाए, अगर सेल्फ स्टेबलाइजिंग स्टीयरिंग है तो गाड़ी उसी लाइन में ट्रेवल करते हुए रुकेगी, अपने लाइन ऑफ ट्रेवल से बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। दोस्तों, आज हम लोगों ने एक फ्रंट व्हील सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात किया, यानी कि हमने एक विजबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम और एक मैक पियर्सन शर्ट टाइप सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात किया। मैंने आपको इनका कंस्ट्रक्शन बताया, वर्किंग बताया, और किन कंडीशन में सस्पेंशन सिस्टम्स का यूज किया जाता है उस बारे में भी मैंने बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।